जैकी जी, मैं आपको आज बताऊंगा कि एक्सेल के जरिए आप वर्ड को कैसे हैंडल करोगे। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वर्ड को आप ओपन करोगे एप्लीकेशंस को, और किस तरीके से हमने अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट को खोला था, क्लोज किया था, क्विट किया था, ये सीखा था आपने। अब हम बात करते हैं, हमें एक मेमोरेंडम बनाना है, ठीक है। हमें क्या है कि हमें एक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि उस मेमोरेंडम को ऑटोमेटिकली बनाए, राइट। तो कुछ डेटा डाल देते हैं यहाँ पे, नॉर्थन फोर डबल सॉरी 4 77 कर दो, और आपका कुछ नंबर डाल देते हैं। आप मेल मर्ज तो जानते ही होंगे, वर्ड में जो होता है, तो मेल मर्ज में इसका काम तो आसानी से कर देते हैं, लेकिन मेल मर्ज का ही जैसा फीचर्स हम आपके साथ करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर हम यहां पे डाल देते हैं। अब चलिए हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल्स सब्जेक्ट मेक मेमो बाय ओपन क्लोज। अब यहां पे करते हैं बिम डब्लू एज ए, डब्लू पर माने कि वर्ड, एज ए ऑब्जेक्ट एक हम W एज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और उसके बाद हम लूप लगाएंगे, क्योंकि जितने रिकॉर्ड उतने चल रहे हैं कि 4 i = चले 1 2 रेंज कितना है ए बाई ए 65,000, ए 65,000 डॉट एंड, और यहां पे देते हैं हम एक्सेल एस अप डॉट रो, और यहां पे नेक्स्ट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो यहां स्टेटस बार मैं शो करना चाहता हूं कि स्टेटस बार में मेरा प्रोसेस को शो करे, समझे, जो हैंग होता है। तो यहां पे प्रोसेस बार को शो करने के लिए एप्लीकेशन डॉट स्टेटस बार करके एक फीचर्स आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटस बार इक्वल टू, मैंने यहां पे लिख दिया यहां पे कि प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट जो भी कर लीजिए रिकॉर्ड्स, और मैं आई के साथ कंबाइन कर देता हूं ताकि गिनती बताएगा कि इतना प्रोसेसिंग चल रहा है। ठीक है, अब विथ यहां पे हम करते हैं डब्लू कि विथ डब्लू
डॉट, हमने बोला था ना आपको कि डॉक्यूमेंट डॉट ऐड करके करते हैं एक फाइल को, कि हमने ऊपर जो ऑब्जेक्ट, इसमें हमने सेट तो कहीं किया ही नहीं, एक गलती हमसे हो गई ना। एक बहुत बड़ी गलती आ गई, आपने बोला भी नहीं मुझे। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, तो हमने ऑब्जेक्ट को सेट कहाँ किया? हमने यहाँ पे किया सेट डब्ल्यू इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन, और यहां पे देंगे हम वर्ड डॉट एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। अब यहां पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट्स डॉट ठीक है। अब यहां पे होता है कि विथ डॉट सिलेक्शन, अब इसकी हम अभी बीच में चल रहे हैं ठीक है। डॉट फॉन्ट, तो जहां हम लिख रहे हैं उस फॉन्ट की साइज, इक्वल टू हमने 14 कर दिया। जैसे कोई डॉक्यूमेंट होता है उसकी यहां लिखेंगे हम उसमें, और फॉन्ट को बोल्ड करना है, फॉन्ट डॉट बोल्ड, जैसे एक्सेल में करते हैं ऐसे वर्ड में होगा, इक्वल टू ट्रू। अब यहां पे हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेंट्रल करते हैं, तो पैराग्राफ के लिखेंगे यहाँ पे कि पी ए आर ए जी आर ए पी एच एफ ओ आर कॉमेंट डॉट अलाइनमेंट, ALI GMMENT अलाइनमेंट इक्वल टू 1, मतलब कि सेंट्रल नंबर में होता है। अब टाइप, अगर वर्ड में एक्सेल के जरिए कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो हमने यहां पे दे दिया कि टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट यहां पे टेक्स्ट, और इक्वल टू जो होगा वो होगा यहां पे एम स्पेस ई स्पेस एम ओ आर ए एन डी, अपने हिसाब से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं स्पेस दे रहा हूं तो आप भी स्पेस दो ठीक है। मेमोरेंडम, अब देखिए टाइप टेक्स्ट हमारा बड़ा नहीं हुआ है, मतलब तुमने कुछ गलत किया क्या? TYPE, TE टेक्स्ट सही तो है, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट सही है तो अपना, ये पता नहीं क्यों बड़ा हुआ। ओके, अब मुझे मान लीजिए एंटर मार के पैराग्राफ छोड़ना है, जगह छोड़ना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा टाइप डॉट लगा के, डॉट टाइप पी ए आर ए जी आर ए पी एच टाइप पैराग्राफ, टाइप पैराग्राफ स्पेलिंग सही है ना? अलाइनमेंट जी होना चाहिए, एफ हो गया इसलिए बड़ा नहीं हुआ है। हाँ ये बड़ा हो गया ना, टाइप पैराग्राफ का भी ऐसे बड़ा होना चाहिए, पता नहीं क्यों बड़ा नहीं हुआ, एरर क्यों नहीं दिया? अब मैं यहीं पे अभी हो गया। अब नीचे हमने फॉन्ट साइज या डॉट लगाना भूल गए, फॉन्ट साइज 14 की जगह पे हम 12 कर देते हैं, बोल्ड नहीं रखेंगे, और इसकी अलाइनमेंट जो है 0 कर देते हैं, मतलब कि लेफ्ट से नीचे लिखना है ना हमें, और इसकी बोल्ड को हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि बोल्ड नहीं होना चाहिए, तो टाइटल था मेमोरेंडम इसलिए हमने ऐसा किया, इक्वल टू फॉल्स ठीक है।
अब यहां पे लिखना डेट, तो टाइप TEXT टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट सेमी कोलन इक्वल, और यहाँ पे हमें देना है डेट, डेट, और फिर इसके बाद कॉन्कैटनेट क्लोज करते हैं, और VV टैग, फिर एंड परसेंट लगाया, और यहाँ पे देते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट में डेट, डेट को हम दे देते हैं MMYY में, तीन बार देते हम सही जगह चाहिए। ठीक है, मैं डॉट लगाना भूल गया यहाँ पे। उसके बाद सेम फिर टाइप पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ना, समझ में आ रहा है आपको? टाइप पैराग्राफ, और उसके बाद हमें टाइप टेक्स्ट देना है, इक्वल टू टू, और उसके बाद टाइप पैराग्राफ, पैराग्राफ एक और दे देते हैं, एंटर मार, एंटर मारते हैं, मैं फिर समझाऊंगा इसको, चिंता मत कीजिए, एक लाइन बाय लाइन। अब फिर हम टाइप टेक्स्ट करेंगे, अच्छा इसमें हम टू में रीजनल मैनेजर को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, नॉर्थन मैनेजर, सेल्स, सेल्स यहां पे हो जाएगा आई कॉमा वन डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हम दे देते हैं, और इसमें टैग स्पेस मैनेजर दे देते हैं, और यहाँ पे हम VV टैग देते हैं, यहाँ एक एंड बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। टाइप पैराग्राफ, और टाइप टेक्स्ट में हम यहाँ पे एक और टाइप टेक्स्ट करते हैं, और इसमें हम देते हैं टू की जगह पे फ्रॉम, एंड फ्रॉम में मैं चाहता हूं कि फ्रॉम में से कि यहाँ पे टू मैनेजर था तो फ्रॉम आना चाहिए जो आपकी यूजर आईडी, मान लीजिए मैं इसके यूजर आईडी चाहता हूं कि फ्रॉम आना चाहिए, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एन परसेंट के साथ वीवी टैग एन परसेंट, मैं चाहता हूं कि फ्रॉम में यूजर आईडी काम होना चाहिए, तो मैं यहां दे देता हूं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशंस डॉट यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है। और फिर मैं इसको फिर दो बार पैराग्राफ डालता हूँ, दो पैराग्राफ मैं दो इंटरप्रेस करूंगा इसके नीचे, अब आएगा टाइप टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ वर्ड में, यूनिट, यूनिट सोल्ड एन परसेंट, बी सॉरी एन परसेंट
एन परसेंट, वी वी टैब अगेन 1%, और यहां पे जाएगा सेल्स आई कॉमा 2 डॉट वैल्यू। फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ में पहले टैब देना है तो टैब दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यूनिट सोल के बाद यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट कि हमने कितना अमाउंट अमाउंट, और यहाँ पे हम 3 दे देंगे, बाकी सब ठीक है। और फिर अब यहां पे एक बिट को एंड करना है, एंड बिट, और फिर हम फाइल को सेव भी तो करेंगे, तो यहां पे लिखें ऐसे एक्टिव वर्कबुक होता है ना, ऐसे यहां पे एक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट सेव एज फाइल नेम, फाइल नेम इक्वल टू कुछ भी दे दीजिए, मेमो डॉट ए बी सी डी ओ सी एक्स, और लोकेशन डालना है तो लोकेशन डाल दीजिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर, नहीं लोकेशन डालेंगे तो डिफॉल्ट में सेव होगा, डॉक्यूमेंट ये होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट ए सी टी आई वी एक्टिव डी ओ सी ओ एम ई एन टी, और फिर यहां पर हम कर देते हैं एंड ई एन टी एंड विथ, और दो बिट था, दो बिट हमने खत्म कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट भी खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट को किल करना है तो यहां पे लिखते हैं डब्ल्यू डॉट पी यू आई टी क्विट, अब इसमें सीरियल नंबर भी देना पड़ेगा, ओके, मेमो नाम का दो फाइल तो नहीं बनेगा ना, आई इंटू कर देते हैं फाइल नेम में, उसके बाद सेट सेट डब्ल्यू इक्वल टू नथिंग कर दीजिए ताकि हट जाए, एरर होने पे दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन, यहाँ रखिएगा स्टेटस बार को भी क्लियर कर दीजिएगा, स्टेटस बार इक्वल टू हमने इसको ब्लैंक कर दिया, ठीक है, ये आपका मैक्रो बन गया। अब चलिए एक बार इसको हम रन करते हैं, क्या इसलिए कि इसमें क्या हुआ कि जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतने फाइल बनाएगा ना, तो हमने नाम से मेमो डाल दिया है तो अलग में फाइल होनी चाहिए ना, तो 1 memo 2 memo 3 memo ऐसे आएगा। आप अपने हिसाब से, आपके पास अगर कोई यूनिक आईडी वगैरह है, कुछ आइडेंटिफिकेशन है तो डाल सकते हो। अब देखते इसमें एरर कहां आता है, यहां पर बढ़ाया P A R A G R A P H
format, फॉर्मेट ओ यहाँ पे कॉमा हो गया, कॉमा नहीं होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, ये गलती थी। अब स्टेटस बार देखिए, एक बार स्टेटस बार को देखिए क्या है ना, प्रोसेसिंग रिकॉर्ड वन, टाइप मिसमैच, तो है मेमो डॉट डीओएक्स डीओसीएक्स, तो यहाँ पे फाइल नेम हम कब डालते हैं, जब हम पाथ देते हैं, डिफॉल्ट के लिए पाथ देने की जरूरत नहीं है। और देखिए आपका कोड कंप्लीट हो गया और आप माय डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो तीन फाइल आपको बन के मिल जाएगा, वन मेमो, टू मेमो एंड थ्री मेमो, देख गया। अब देखिए, अब जैसे कि ये यहां बताता हूं, अब इस कोड को समझिए। सबसे पहले बिट सिलेक्शन, मतलब कि जहां पे कर्सर है वहां पे करेगा। हमने फॉन्ट की साइज 14 और बोल्ड को ट्रू किया, अलाइनमेंट को सेंटर किया और मेमोरेंडम हमने टाइप किया। ये जो तो कोडिंग हमने की, इतना जो हमने की किसके लिए किया, अपने इसको लिखने के लिए, समझ गया। उसके बाद हमने दो पैराग्राफ मारे, मतलब हमने दो एंटर मारा और फिर हमने इसकी फॉन्ट की साइज कम कर दी, अलाइनमेंट को जीरो कर दिया, लेफ्ट अलाइनमेंट हटा दी मैंने, और हमने बोल्ड को फॉल्स किया और फिर हमने डेट डाला। तो डेट में सिस्टम डेट है और इसका फॉर्मेट मैंने कर दिया DDMMYY। तो यहां पर देखिए इस तरह से डेट लिख के आ गया, ले रहे। उसके बाद यहां पे हमने लिया एक और पैराग्राफ लिखा एंटर मारने के लिए, तो हमारा एंटर यहां आ गया। उसके बाद हमने यहां पे लिखा टू द जो मैनेजर था उसका, द वीवी टैब सेल्स और मैनेजर, यहां पे हमने स्पेस डाल देते तो यहां भी नॉर्थ और मैनेजर के, नॉर्थन मैनेजर के बीच में स्पेस आता, समझ गए सर। और फिर हमने पैराग्राफ मारा ताकि एंटर आ जाए, और फिर हमने फ्रॉम और अपना एप्लीकेशन और स्टेटस का नाम डाल दिया, और उसके बाद फिर दो पैराग्राफ डाला, और फिर हमने यूनिसॉल्ट उठा ली और पैराग्राफ मार के, पैराग्राफ से एंटर मारते हैं और नंबर आ गया, और फिर फाइल को हमने सेव कर लिया। तो इस तरह से एमएस एक्सेल के डेटा के जरिए एमएस वर्ड में आप ऑटोमेशन कर सकते। ये फाइल मैं आपको भेज देता हूं, आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। और ये तो मेरे सिंपल से बेसिक एग्जांपल था, आप जो है अपने हिसाब से कोई अच्छा एग्जांपल बनाने की कोशिश करें अपने वर्क एनवायरनमेंट से, ठीक है सर। हाँ स्टेटस बार की बात कर रहे हैं कि यूजर नेम, तो डाउनलोडिंग किस, तो जिससे डाउनलोड करते हैं उस पे होता है ना। ये तो ये हुआ कि आप वीवीए में कोई काम कर रहे हैं और उसका प्रोसीजर टू लार्ज है, प्रोसीजर जो है काफी लार्ज है उसका इस्तेमाल करते हैं,
समझ गया? देखिए ट्राई करके, मैंने कभी ऐसा ट्राई तो किया नहीं, आप एक बार देखिएगा ट्राई करके, ठीक है? तो आपके मैंने आउटलुक की कनेक्टिविटी सिखा दी और आपको मैंने वर्ड की कनेक्टिविटी सिखा दी, राइट? और सीडीओ कनेक्टिविटी का वीडियो आपने देख ही लिया होगा, सीडीओ कनेक्टिविटी की वीडियो में भेजा था लास्ट लास्ट क्लास,